हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शोनाज ब्यूटी पार्लर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एंगेजमेंट मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग। तो इस वीडियो में हम देखेंगे मेकअप कैसे करेंगे, हेयर स्टाइलिंग कैसे करेंगे, हेयर स्टाइलिंग को डेकोरेट कैसे करेंगे और ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमने क्या क्या मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, उन सारे प्रोडक्ट्स का डिटेल देखेंगे। सो गाइस, चलो चलते हैं। सबसे पहले फेस को क्लींजिंग करना है, उसके बाद टोनिंग करना है, फिर मॉइस्चराइज़र। यहाँ पे PSC का मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है। देन अप्लाई होगा प्राइमर। प्राइमर मेकअप के लिए एज अ बेस यूज़ होता है। हमारे फेस पे जो एक्नेस होते हैं, पोज ओपन होते हैं, वहाँ पे प्राइमर अप्लाई करने से वो पोज अच्छे से हाइड हो जाते हैं और उसके ऊपर मेकअप अच्छे से सेट हो जाता है। देन हम यूज़ करेंगे करेक्टर, कंसीलर एंड फाउंडेशन। तो करेक्टर कंसीलर करने के लिए मैंने यहाँ पे क्रेलॉन का डर्मा पैलेट यूज़ किया है। ये पैलेट का यूज़ करते हुए हम करेक्टर और कंसीलर करेंगे। इसका D30 शेड हमने एज अ करेक्टर यूज़ किया है, जिससे ब्लैक स्पॉट्स, पिंपल्स, एक्ने, डार्क सर्कल, ये सारी चीज़ें हम हाइड करेंगे। ये ऑरेंज शेड होता है, मोस्टली डार्क ऑरेंज, लाइट ऑरेंज शेड हम करेक्टर करके यूज़ करते हैं। इससे फेस पे एक लेयर क्रिएट हो जाता है, जिससे हमारे जो डार्क स्पॉट्स होते हैं, पिंपल, एक्ने, जो भी स्पॉट्स होते हैं, सन टैन, वो हाइड हो जाते हैं और उसके बाद हम उसी के ऊपर प्रॉपर कंसीलर कर सकते हैं। डार्क ऑरेंज, लाइट ऑरेंज शेड हम इसके लिए यूज़ करते हैं जो कि फाउंडेशन के साथ या फिर कंसीलर के साथ प्रॉपर मैच हो जाता है और उसमें प्रॉपर मिक्स हो जाता है। तो ये जहाँ जहाँ पे ब्लैक स्पॉट्स थे वहाँ पे मैंने अच्छे से करेक्टर यूज़ कर लिया है और उससे मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। ओपन पोर्स स्किन टोन जो होते हैं उन्हें हमें अच्छे से प्राइमर यूज़ करना है। प्राइमर अच्छे से यूज़ करने के बाद ही हमारा प्रोडक्ट अच्छे से सेट हो जाएगा। ये करेक्टर होने के बाद हम यहाँ पे कंसीलर यूज़ करेंगे। सेम डर्मा पैलेट से हमने D5 शेड लिया है, जो इनके स्किन टोन से मैच हो रहा है। आपका जो स्किन टोन है उससे एक टोन लाइट आपको कंसीलर यूज़ करना है। तो ये प्रॉपर पूरे फेस पे जहाँ जहाँ पे हमने करेक्टर अप्लाई किया था वहाँ वहाँ पे हम कंसीलर यूज़ करेंगे। इसे मैं ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ और ये अप्लाई करने के बाद इन्हें प्रॉपर ब्लेंड करना है। ये प्रॉपर ब्लेंड करते समय हम ब्लेंडिंग ब्रश का इस्तेमाल करेंगे या फिर आप ब्यूटी ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकते हो। कंसीलर प्रॉपर ब्लेंड होना चाहिए और हमारा पूरा मेकअप जो होता है वो ब्लेंडिंग पे ही डिपेंड होता है। इसके लिए हमें ध्यान रखना है, मेकअप में ब्लेंडिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब जितना अच्छे से ब्लेंडिंग करोगे उतना आपका फेस इवन टोन लगेगा और उतना अच्छे से बेस सेट हो जाएगा। प्रॉपर कंसीलर ब्लेंड होने के बाद वो फेस पे सेट हो जाएगा। उसके बाद हमें अच्छे से फाउंडेशन अप्लाई करना है। जो फाउंडेशन यूज़ किया है उसका कवरेज काफ़ी अच्छा है। ये फॉरएवर 52 का 005 शेड नंबर है, जो इनके फेस पे प्रॉपर मैच हो रहा है और उससे हमें अच्छी से कवरेज भी मिलेगा। तो मैं यहाँ पे ये लिक्विड फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। जहाँ जहाँ पे हमने कंसीलिंग किया था वहाँ वहाँ पे हम फाउंडेशन यूज़ करेंगे और फाउंडेशन अप्लाई करते समय हमें फेस पोर्शन और नेक पोर्शन प्रॉपर कवर करना है, जिससे हमारा कंप्लीट फेस इवन टोन लगे और मेकअप किया हुआ लुक पूरा अच्छे से दिखाई। ये हाई डेफिनेशन कवरेज फाउंडेशन है, तो इससे हमारा फेस अच्छे से ग्लो करेगा। और ये फाउंडेशन को मैट लुक लाने के लिए हम क्रेलॉन का एंटी शाइन पाउडर यूज़ करेंगे। देन हम सेम टर्मा पैलेट से DJ1 शेड यूज़ करेंगे। ये ब्राउन शेड है, ये हम एज अ कॉन्टोरिंग यूज़ करेंगे। वो साइड नोज़, चिक बोन्स, लोअर चिन, फोरहेड, जहाँ जहाँ पे हमारा लार्जर पोर्शन है वहाँ वहाँ पे फेस पे हाइड करने के लिए हम कॉन्टोरिंग यूज़ करेंगे। तो कॉन्टोरिंग करते समय हम ये ब्राउन शेड यूज़ करेंगे और उसके बाद हम करेंगे हाइलाइटिंग। हाइलाइटिंग के लिए हम D0 शेड यूज़ कर रहे हैं, वो सबसे ब्राइट है। वो यही डर्मा पैलेट से यूज़ करेंगे। ब्रिज ऑफ नो, चिक बोन्स, फोरहेड, लोअर लिप, चिन, अपर लिप्स, या ये सारे पोर्शन पे हम D0 अप्लाई करेंगे। और ये अप्लाई करने के बाद हम इन्हें प्रॉपर ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद हमने जहाँ जहाँ पे ब्राउन शेड अप्लाई किया था वो एज अ काउंटर रहेगा और जहाँ जहाँ पे हमने वाइट शेड यूज़ किया है वो एज अ हाइलाइटर रहेगा। उससे हमारे फेस पे स्कल्प्टेड लुक आएगा और हमारे फीचर्स अच्छे से विजिबल हो जाएंगे, जिससे हमारे मेकअप में HD लुक आएगा। देन हम आईब्रोज करेंगे। आईब्रोज़ के लिए मैंने यहाँ पे मिस क्लेयर का आईब्रोज पैलेट यूज़ किया है। ये ब्राउन शेड में यूज़ कर रही हूँ, जिससे हमारे आईब्रोज़ प्रॉपर विजिबल हो जाएंगे और आईब्रोज़ में नेचुरल लुक आ जाएगा। आईब्रोज़ को प्रॉपर शेप देने के बाद हम यहाँ पे आई शेडो बेस अप्लाई करेंगे। तो आई शेडो बेस के लिए आप कोई भी लाइट शेड फाउंडेशन या फिर कंसीलर यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे D0 सेम डर्मा पैलेट से यूज़ किया है, जो सबसे लाइट शेड है और जिससे हमारा
जो आईब्रोज और आई शेडो अप्लाई किया जाएगा वो कलर पॉपअप होगा और हमें अच्छी से वो लुक देगा। तो सबसे पहले हमें बेस अच्छी से करना है और बेस प्रॉपर करने के बाद हम आई मेकअप करेंगे। आई मेकअप करने के लिए मैंने यहाँ पे फॉरएवर 52 का आई शेडो पैलेट यूज़ किया है। उसी के साथ कुछ ब्राउन और गोल्डन शेड के लिए मैंने रेवोल्यूशन का भी आई शेडो पैलेट यूज़ किया है। सबसे पहले आई मेकअप करने के लिए हम ब्राउन या फिर कोई भी लाइट शेड से क्रीज लाइन अप्लाई करेंगे और क्रीज लाइन अप्लाई करने के बाद हमें जो यहाँ पे हमें जो शेड चाहिए वो हम क्रिएट करेंगे। इस आई मेकअप में मैंने गोल्डन और रेड के साथ कॉम्बिनेशन किया हुआ है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ब्राउन से क्रीज लाइन की है और उसके बाद मैंने गोल्डन शेड अप्लाई किया है। फिर मैंने दोनों कलर को प्रॉपर ब्लेंड करते हुए मर्ज किया है। दोनों कलर को हमें प्रॉपर ब्लेंड करना है और ब्लेंड होने के बाद हमारे जो ब्राइड के आउटफिट्स रहेंगे वो शेड भी आपको इसमें मिक्स करना है। मेरे ब्राइड के आउटफिट्स के साथ ये गोल्डन शेड तो मैच हो ही रहा है, लेकिन मुझे इसके साथ थोड़ा पिंक और रेड शेड भी मिक्स करना है। तो मैं इनके आई बॉल्स पे ये रेड कलर अप्लाई कर रही हूँ। तो रेड कलर अप्लाई करने के पहले हमें सबसे पहले लाइट शेड अप्लाई करना है और उसके बाद हमें डार्क शेड अप्लाई करना है। प्रॉपर आई मेकअप होने के बाद हमें इनको मर्ज करना है। जितना आप मर्ज करेंगे और जितना अच्छे से ब्लेंडिंग करेंगे उतने अच्छे से आई मेकअप को लुक आएगा और उतना अच्छे से आई मेकअप सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने गोल्डन और ब्राउन के साथ अप्लाई करने के बाद थोड़ा रेड कलर से भी क्रीज लाइन पे ब्लेंड कर रही हूँ, जिससे हमारे आईज़ को प्रॉपर शेप भी दिखे और जिससे हमारे ब्राइड के जो आउटफिट्स रहेंगे उसके साथ आई मेकअप मैच हो जाए। आई मेकअप कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे मैंने इन कलर का आईलाइनर अप्लाई किया है। उसके बाद ये ओरिफ्लेम का मस्करा यूज़ करूँगी। आई वॉल्यूमाइज मस्करा है जिससे हमारे लैशेस में अच्छे से वॉल्यूम आ जाएगा। उसके बाद आप आर्टिफिशियल आई लैशेस भी स्टिक कर सकते हो। मैं यहाँ पे PSC का काजल अप्लाई कर रही हूँ जो लोअर आई लीड पर अप्लाई होगा और थोड़ा मैंने आउटलाइन पर भी अप्लाई करके उन्हें ब्लेंड किया है। फिर मैंने यहाँ पर वेट एंड वाइल्ड का लिक्विड हाईलाइटर अप्लाई किया है जो नोज़ पर अपर लिप्स पर और चिन पर अप्लाई कर रही हूँ और उन्हें अच्छे से ब्लेंड भी करना है जिससे हमारे फेस पे हाइलाइटर से ग्लो दिखे और हमारा मेकअप थोड़ा शिमर बेस दिखे और हमारे फेस का लुक भी अच्छे से दिखे। उसके बाद मैं ये रिवॉल्यूशन का पाउडर हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ जिससे हमारे मेकअप को फाइनल फिनिश हो जाएगा। प्रॉपर हाइलाइटर अप्लाई होने के बाद यहाँ पे क्रेलॉन का लिपस्टिक पैलेट यूज़ कर रही हूँ। ये लिपस्टिक पैलेट से हमें जो लिपस्टिक के शेड्स अप्लाई करने हैं वो आप कर सकते हो। याद रखना है हमें आई मेकअप के साथ एकदम गॉडी लुक में और एकदम ब्राइट शेड में लिप्स नहीं क्रिएट करने हैं, तो जो हमें डिसेंट वही लिप्स पे शेड अप्लाई करना है। आपको आई मेकअप अगर ज़्यादा ब्राइट किया हुआ है तो उसी के साथ ब्राइट लिप्स करने कंपलसरी नहीं है। आप कोई भी न्यूड शेड में या फिर लाइट शेड में लिप्स पे लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे मैंने क्रीम बेस लिपस्टिक अप्लाई की हुई है तो इसके बाद मुझे थोड़ा मैट लुक देना है। इसके लिए मैं यहाँ पे हुदा ब्यूटी का लिक्विड मैट लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ जिससे मेरे लिप्स पे मैट लुक आ जाएगा और ये लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगी। देन मैं यहाँ पे क्रेलॉन का ब्लशर यूज़ कर रही हूँ। ये क्रेलॉन का ब्लशर पैलेट है जिसमें से हमें कोई भी शेड यूज़ करना है। मैं यहाँ पे पीच वाला शेड यूज़ कर रही हूँ जो थोड़ा पिंक है। इसी के साथ हमारा मेकअप लुक कंप्लीट हो गया। अब हेयर स्टाइल करते हैं। हेयर स्टाइल करते समय ईयर टू ईयर पार्टीशन करके हम क्राउन एरिया सेलेक्ट करेंगे। फिर क्राउन एरिया जो किया हुआ है उसे हम बैक कॉमिंग करके हाइट देंगे, जो हाइट से हमारा पफ क्रिएट हो जाएगा और पफ करते समय वो लॉन्ग टाइम तक स्टे करे, इसके लिए हम उसके ऊपर स्प्रे यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं शोस्कॉफ का टाफ्ट 05 नंबर स्प्रे यूज़ कर रही हूँ जिससे हमारा हेयर स्टाइलिंग अच्छी से टिका रहे और लॉन्ग लास्टिंग भी रहे। ये प्रॉपर हाइट हो चुकी है और ये पफ को मैं बॉबपिन दोनों साइड से बॉबपिन से फिक्स करने के बाद हम फिनिशिंग लाइन लेके पफ को सेट करेंगे। देन हम फ्रंट में साइड पार्टीशन लेके उसे ट्विस्ट करेंगे और ट्विस्ट करके उसमें पुलिंग निकालेंगे। तो पुलिंग करने के लिए हमने यहाँ पे स्प्रे करके छोटे छोटे पार्टीशन में पुलिंग की हुई है। सेम हम दोनों साइड करेंगे, लेफ्ट साइड में भी वही करेंगे और राइट साइड में भी हम वही करेंगे जिससे हमारा फ्रंट लुक अच्छे से दिखाई दे
और हमारी ब्राइड की हेयर स्टाइल खूबसूरत लगे। फ्रंट हेयर स्टाइल कम्प्लीट होने के बाद उसे हम बॉब पिन से फिक्स करेंगे। उसके बाद हम ये बंजी क्रिएट करेंगे, जो रबर पे दोनों साइड पे बॉब पिन फिक्स करके हम पोनीटेल बनाएंगे। लोअर पोनीटेल करने के बाद हम उसमें प्लेट्स करेंगे। उसमें हम प्लेट्स करते समय लूज प्लेट करेंगे, थ्री पार्टीशन निकाल के उसमें हम पतले पतले सेक्शन लेके प्लेट्स बनेंगे और ये प्लेट को फाइनल में हम रबर से फिक्स करेंगे और उसे हम प्रॉपर लूज करने के बाद ट्विस्ट कर देंगे। ये हम यहाँ पे लूज कर रहे हैं और उसके बाद हम ट्विस्ट करके उससे एक जुड़ा क्रिएट करेंगे। अगर आपके ब्राइड के बाल कम है तो आप बालों को अंदर से स्टफिंग या फिर डोनट भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मेरे ब्राइड के बाल थोड़े हेल्दी थे तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ भी यूज़ नहीं किया है और ऊपर से मैं ये नेट यूज़ कर रही हूँ, जिससे हमारी हेयर स्टाइल पे जो रोजेस पे पेटल्स लगेंगे वो अच्छे से सेट हो जाएंगे। यहाँ पे रोजेस के पतले पतले पेटल्स लेके मैं यू पिन से फिक्स कर रही हूँ। इससे पूरा बन हम कवर करेंगे और उसके बाद ये जिप्सी जो फ्लावर्स है ये फ्लावर से हम बाकी हेयर स्टाइल डेकोरेट करेंगे। सो हम ये छोटे छोटे फ्लावर्स लेके पूरा डेकोरेट कर रहे हैं और हमारा ये हेयर स्टाइल रेडी हो चुका है और अब हम ये फाइनल लुक देखेंगे। सो गाइज, आपको ये लुक कैसे लगा मुझे ज़रूर बताइए और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड फॉलो ऑन माई इंस्टाग्राम आईडी शोनाज ब्यूटी पार्लर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम स्टे सेफ।